उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर का कहर जारी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड समेत समूचे उत्तर भारत में जनवरी की ठंड अपना रंग दिखा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी और घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक हरियाणा और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास के हिस्सों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके चलते देश के उत्तर और मध्य भागों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा और ठंड बढ़ेगी। IMD के अनुसार दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। वहीं मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ेगी। धार, रतलाम और सागर जिलों में शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया जा चुका है, जबकि सिवनी, बैतूल, इंदौर, उज्जैन, खरगोन में कोल्ड डे रहेगा। इसके अलावा रतलाम, नीमच, मंदसौर, बालघाट, टीकमगढ़ में भी कोहरे का स्तंभ जारी है। वहीं बात करें अगर श्रीनगर की, तो श्रीनगर में आज न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 0-9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश के भोपाल में आज का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 21 डिग्री। वहीं चंडीगढ़ की बात की जाए तो यहां का मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री तो मैक्सिमम 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ठिठुरन का स्तंभ जारी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम विभाग ने बहुत ठंडा दिन रहने का आज का अनुमान लगाया है। अगले सप्ताह अधिकतम तापमान 17 से 20 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री के आसपास रह सकता है। वहीं IMD के मुताबिक 19 जनवरी को राजधानी में बारिश की भी संभावनाएं लगाई गई हैं। वहीं दिल्ली के प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ गया है। दिल्ली में औसतन हवा की गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 339 दर्ज किया गया है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। आपको बता दें कि AQI को 0 और 50 के बीच अच्छा यानी कि 51 और 100 के बीच संतोषजनक और 101 और 200 के बीच मध्यम माना जाता है। वहीं 201 और 300 के बीच खराब माना जाता है, जबकि 301 और 400 के बीच इसे बहुत ही खराब माना जाता है और वहीं 400 से 1 से लेकर 500 के बीच इसे गंभीर श्रेणी में माना जाता है, जबकि अभी फिलहाल 339 दर्ज किया गया है, जो कि बहुत खराब स्थिति में है। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तो अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। जम्मू में मिनिमम तापमान 6 डिग्री तो मैक्सिमम 14 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं राजस्थान के जयपुर शहर का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री तो अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद लगाई गई है। स्काईमेट वेदर के अनुसार आज तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में भी हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं लगाई गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।